सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे चैट जीपीटी को यूज करेंगे, और चैट जीपीटी को यूज करने के बाद आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये देखिएगा। देखिए मैं लिखा हूँ, राइट एन आर्टिकल्स इन हिंदी अबाउट हेल्थ इन 1000 वर्ड्स। 1000 वर्ड्स में हिंदी में आप लोगों को एक आर्टिकल्स लिखना होगा। यहाँ पे देखिए लिख के दे रहा है, 1000 वर्ड्स में ये लिख के आप लोगों को देगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पूरा का पूरा यहाँ पे आप लोगों को लिख कर दे चुका है, पूरा का पूरा लिख कर दे चुका है। इसको हम सिंपल कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब आपको इसको ले जाकर दूसरे वेबसाइट में चेक करना है, प्लेगरिज्म चेक या प्लेगरिज्म रिमूव भी आपको यहाँ पे करना होगा। तो आप लोगों को ये एक वेबसाइट मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे ले जाकर इसको पेस्ट कर देना होगा। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर चुका हूँ, देखिए ये जो हिंदी में लिखा हुआ मैं यहाँ पे पेस्ट कर चुका हूँ। इसको अब मुझे रीराइट टेक्स्ट का बटन दिखेगा, इस पे मुझे ऐसे क्लिक कर देना होगा। देखिए अब इसको आप लोगों को यहाँ पे कॉपी करना होगा, कॉपी करने के बाद आप लोगों को इसको पेस्ट कर देना होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं योंडकाल। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टाइपिंग वर्क के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे आप लोगों को 500 वर्ड्स अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं तो आप लोगों को 500 रुपया अर्न होगा, यानी कि एक वर्ड के लिए 1 रुपया आप अर्न करेंगे। 1 वर्ड इज इक्वल टू 1 रुपीज आप यहाँ पे अर्न करेंगे। तो किस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या सिस्टम है, ये पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जैसे हम इस वेबसाइट में आते हैं, आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, वेलकम एंड थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन वर्किंग फॉर डाटा फोर्स बाय ट्रांसपरफेक्ट। अब आप लोगों को यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है, इस जॉब के बारे में जानकारी लेना होगा कि डिस्क्रिप्शन जानना होगा। वर्क लोकेशन इंडिया, रिमोट है। एंगेजमेंट मॉडल फ्रीलांस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। वर्कलोड अप्रोक्सीमेटली 20 आवर पर वीक, आप लोगों को हफ्ते में 20 घंटा काम करना होगा। फ्लेक्सिबल शेड्यूल रहेगा। स्टार्ट डेट एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। और एंडिंग डेट है मई 31st में ये जॉब एंड हो जाएगा। अब आप लोगों को कंपेंसेशन मॉडल आपको समझना होगा कि 6 USD पर 500 वर्ड्स, यानी कि 500 वर्ड्स के लिए आप लोगों को 6 USD ऑन होगा। अप्रोक्सीमेटली 500 रुपीज आप ऑन करेंगे 500 वर्ड्स के लिए। 1 word = 1 rupees आप यहाँ पे ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हिंदी कंटेंट क्रिएटर्स की आवश्यकता है, यहाँ पे आप लोगों को काम कर सकते हैं। अब टास्क समरी, अब एक्चुअली ये टास्क आपका क्या रहेगा, इस चीज को आप लोगों को समझना होगा। जैसे टास्क समरी में द कंटेंट क्रिएटर्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट ओरिजिनल नैरेटिव फिक्शन एंड नॉन फिक्शन वर्क्स। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, एक फिक्शन में और एक नॉन फिक्शन में आप लोगों को काम करना होगा। एक्चुअली ये फिक्शन क्या है, मिस्ट्री के ऊपर लिखेंगे, थ्रिलर के ऊपर लिखेंगे, फैंटेसी रोमांस जैसे आप टॉपिक के ऊपर लिखते हैं तो ये फिक्शन कहलाया जाएगा। अगर नॉन फिक्शन में आप लिखते हैं तो आप लोगों को हेल्थ के बारे में, वेलनेस के बारे में, साइंस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, और भी ऐसे बहुत से ऑप्शन है जो रहेंगे। ये टॉपिक ये है नॉन फिक्शन वर्क, यानी कि आप लोगों को दो तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन में। तो यहाँ पे अब आप लोगों को समझना है 1000 to 2500 वर्ड्स पर वर्क। प्रत्येक वर्क में 1000 वर्ड्स से लेकर 2500 वर्ड्स तक आप लोगों को लिखना होगा। अगर 1000 वर्ड्स लिखते हैं तो आप 1000 रुपीज अर्न करेंगे। 2500 वर्ड्स लिखते हैं तो आप लोगों को 2500 वर्ड्स अर्न करेंगे, आप लोगों का इनकम होगा। टॉपिक, जेनर एंड टाइप ऑफ कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय आवर टीम अलोंग विद डिटेल गाइडलाइंस। ये बात समझिएगा, आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपको टाइप ऑफ कंटेंट यानी कि कंटेंट किस टाइप का होगा, ये सब जानकारी आप लोगों को दिया जाएगा, डिटेल्ड गाइडलाइंस के साथ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। अब टाइप ऑफ कंटेंट, अब इस चीज को आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा, जो ये टाइप ऑफ कंटेंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस चीज को आप लोग समझिएगा। फुल चैप्टर अगर आप लिखते हैं तो 10 पेजेस तक रहेंगे, जिसके लिए आप लोगों को 2500 वर्ड्स होनी चाहिए, 2500 वर्ड्स होनी चाहिए अगर पूरा चैप्टर आप लिखते हैं तो। तो समझिएगा 10 पेज होनी चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ पे समझना है 2500 वर्ड्स होनी चाहिए 10 पेज में। इसी तरीके से शॉर्ट स्टोरीज अगर आप लिखते हैं तो ये भी आप लोगों को 10 पेजेस होनी चाहिए प्रत्येक में, इसमें भी 2500 वर्ड्स होनी चाहिए। और सीन्स और पैसेजेस अगर आप लिखते हैं तो आप लोगों को 4 पेजेस आपको लिखना होगा, जहां पे आप लोगों को 1000 वर्ड्स होनी चाहिए, 1000 वर्ड्स तक होनी चाहिए मिनिमम। उसके बाद स्निपेट्स अगर आप लिखते हैं तो 1 पेज ईच होनी चाहिए, प्रत्येक के लिए 1 पेज ईच होनी चाहिए, जहां पे 250 वर्ड्स होनी चाहिए, यानी कि एक पेज में 250 वर्ड्स होगा, आपको 250 रुपया ही अर्न होगा। तो ये पेज के हिसाब से भी आप यहाँ पे पैसे को अर्न कर सकते हैं, वर्ड के हिसाब से भी आप यहाँ पे पैसे को अर्न कर सकते हैं। अब आप लोगों को प्लीज नोट, यहाँ पे कुछ नोट्स है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा ये किस तरीके से आपको काम करना है। अब जॉब रिक्वायरमेंट्स, फ्लुएंसी इन हिंदी, हिंदी में अच्छी फ्लुएंसी होनी चाहिए। ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट आप लोगों को लिटरेचर में, जर्नलिज्म में,
क्रिएटिव राइटिंग में या किसी में भी आप लोगों की ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होनी चाहिए क्रिएटिव राइटिंग में। अगर आप अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। एक्सीलेंट राइटिंग स्किल्स इन हिंदी, ग्रामर स्पेलिंग, आपको ग्रामर और स्पेलिंग हिंदी में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इंग्लिश में भी अच्छी होनी चाहिए और अटेंशन टू डिटेल, डिटेल को जानने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। ये आप लोगों के पास नॉलेज होनी चाहिए तभी आप ये वर्क कर सकते हैं। अब आप लोगों को ये जो वेबसाइट है इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है, इसको भी आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। अब हमको आना है और अप्लाई, और अप्लाई विथ लिंक्डइन, अप्लाई विथ इंडीड, किसी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं सीधा अप्लाई में क्लिक करूंगा। जैसे मैं अप्लाई में क्लिक करूंगा, सबसे पहले आप लोगों को सीवी और रिज्यूम को अपलोड कर देना होगा। उसके बाद फुल नेम आप लिखेंगे, अपना पूरा नाम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस आपको लिखना होगा, आपका फोन नंबर देना होगा। इंडिया है तो आपका कंट्री का नाम के साथ, कंट्री कोड के साथ आप यहाँ पे नंबर देंगे, किसी भी कंट्री से हो इस बॉक्स में टिक करेंगे। अब आप लोगों को यहाँ पे अपना फोटो को अपलोड कर देना होगा, 20 MB तक होनी चाहिए ये फोटोज, तो ये फोटो को आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। इसके बाद आपको एक कवर लेटर आप लोगों को क्रिएट करना होगा, अपलोड योर कवर लेटर, आपको अपना कवर लेटर को यहाँ पे अपलोड करना है जो 50 MB तक होनी चाहिए, इससे बड़ा नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा PDF, DOC, DOCX, JPEG एंड PNG में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से अब आप लोगों को कवर लेटर लिखना है तो आप लोगों को राइट इट हियर इंस्टेड, आप यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं किस तरीके से कवर लेटर लिखा गया है, इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, इसको फिलअप कीजिए। डू यू हैव नेटिव फ्लुएंसी इन हिंदी, हिंदी में आपका कैसा है, नेटिव फ्लुएंसी है तो आपको यस करना होगा। वेयर डू यू करेंटली रिसाइड, अभी आप कहां पे रह रहे हैं, सिटी और कंट्री का नाम देंगे। व्हिच लैंग्वेज डिड यू प्राइमरीली यूज एट होम बिटवीन द एजेस ऑफ 5 and 18, ये बात समझिएगा, 5 से 18 साल के बीच जब आप थे तो आपके घर में कौन सा लैंग्वेज को ज्यादातर यूज किया जाता था, ये लैंग्वेज आप यहाँ पे टाइप करेंगे। आर यू अवेलेबल टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट स्टार्टिंग इमीडिएटली, क्या आप जल्द से जल्द इस वर्क को स्टार्ट करना चाहते हैं, यस कर दीजिएगा। विच इज योर अवेलेबिलिटी पर वीक, आप हफ्ते में कितना घंटा काम कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। तो डू एक्सेप्ट रेट ऑफ 6 USD पर 500 वर्ड्स, तो आपको ये एक्सेप्ट करेंगे 500 वर्ड्स के लिए 6 USD जो आपको दिया जा रहा है, इसमें आप लोगों को क्या आप लोग एग्री हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग डू यू प्रीफर, फिक्शन, नॉन फिक्शन, आइदर इज एक्सेप्टेबल, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए, प्रेजेंट योरसेल्फ स्पीकिंग इन इंग्लिश फॉर 1 मिनट मैक्सिमम, आप लोगों को 1 मिनट मैक्सिमम यहाँ पे इंग्लिश बोलना होगा। प्लीज टेल अस मोर अबाउट व्हाई यू आर सुटेबल कैंडिडेट, आप क्यों सुटेबल कैंडिडेट है, इसके बारे में आप लोग यहाँ पे 1 मिनट का वीडियो को रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताना है, अपना एजुकेशन, अपना बैकग्राउंड बताकर 1 मिनट का वीडियो क्रिएट करके यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। अब देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को सैंपल भी सबमिशन करना होगा, सैंपल को भी यहाँ पे सबमिट करने का काम आप लोगों का रहेगा। आपका राइटिंग स्किल देखने के लिए यहाँ पे एक कंटेंट आप लोगों को क्रिएट करना होगा। कंटेंट क्रिएशन पोजीशन, यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, सबमिट अ राइटिंग सैंपल, टेस्ट योर राइटिंग स्किल, क्रिएटिविटी, ग्रामर, लैंग्वेज फ्लुएंसी, ये सब कुछ देखने के लिए आप लोगों को यहाँ पे एक सैंपल को आप लोगों को सबमिट करना होगा। यहाँ पे सैंपल सबमिशन के बटन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री कोड, फोन नंबर, ईमेल, कंट्री ऑफ रेसिडेंस, ये सब कुछ आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को 50 to 100 वर्ड में सोशल मीडिया पोस्ट इन हिंदी, अब आप लोगों को हिंदी में एक सोशल मीडिया पोस्ट को क्रिएट करना होगा। देवनागरी लिपि, यानी कि अल्फाबेट में आप लोगों को देवनागरी लिपि में आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा, यानी कि हिंदी में आप लोगों को यहाँ पे लिखने के लिए बताया जा रहा है। तो आप लोगों को हिंदी में 50 to 100 वर्ड्स में सोशल मीडिया पोस्ट को आप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को प्रमोट करना होगा इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड सस्टेनेबिलिटी इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में जो इको फ्रेंडली के बारे में आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा। लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग सबमिट करेंगे, देखिए इस साइड में आप प्लीज राइट योर सैंपल बिलो यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद ये आपका रिव्यू में चला जाएगा, रिव्यू में चले जाने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आप लोगों को एक मेल चला आएगा। याद रखिएगा, इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे वर्क मिल जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे वर्क पा सकते हैं, अप्लाई सही तरीके से कीजिएगा, डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे वर्क मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।